केकेआर न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीप्ति भटनागर। चलिए शुरुआत करते हैं खास खबरों की। संयुक्त संघर्ष मोर्चा अध्यक्ष शमसुल हसन ने चैनल से चर्चा में कहा है कि जिस तरह से कांग्रेस से टूटकर संपूर्ण मध्य प्रदेश से लोग जा रहे हैं, उससे लगता है कि कहीं न कहीं कांग्रेस की जो नाकामी थी वह कांग्रेस के सामने आ रही है। जिस तरह कांग्रेस के 55 साल में दूसरे दलों के साथ कार्यकर्ताओं के साथ भेदभाव किया था, आज उसको कांग्रेस को उसका भुगतान है। भाजपा के अब की बार 400 पार करते हुए कहा कि इससे यह लगता है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी एक दिन में चार जगह खंडवा, खरगोन, इंदौर में जिस तरह से कांग्रेस के लोग टूटकर भारतीय जनता पार्टी की ओर जा रहे हैं, खासकर इंदौर में घोषित प्रत्याशी यहां 13 तारीख मतदान था उससे पहले ही भारतीय जनता पार्टी में जा रहे हैं, तो कहीं न कहीं कांग्रेस की यह नाकामी है। वहीं कांग्रेस के वरिष्ठ लोगों पर आरोप लगाते हुए कहा कि जब तक दिग्विजय सिंह, कमलनाथ जैसे लोग कांग्रेस का नेतृत्व करेंगे तो कांग्रेस का सफाया होना चाहिए। अगर युवाओं के हाथ में कांग्रेस की कमान होती तो कांग्रेस का यह हाल नहीं होता। ये कांग्रेस की नाकामी है। जो आपने दूसरों के साथ करा था आज वो आपके साथ हो रहा है, जो आपने करा वो आपके साथ आज हो रहा है। आज परिस्थितियाँ ये है कि एक इंदौर ही ना देखें आप, इंदौर से पहले भी बहुत बड़े बड़े नेता कांग्रेस के छोड़ छोड़ कर जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी में गए, कमलनाथ जी जैसे लोग, माधवराव सिंधिया के बेटे ज्योतिरादित्य सिंधिया और बहुत सारे विधायक, बहुत सारे सांसद पूर्व विधायक अंबार लग गए भारतीय जनता पार्टी में। मैं समझता हूँ कि ये नाकामी है कांग्रेस की। कांग्रेस ने जो पिछले 55 साल में जो करा था उसका खामियाजा आज कांग्रेस को भुगतना पड़ रहा है। रामनिवास रावत जी का भी नाम चल रहा है। नहीं, बिल्कुल रामनिवास रावत ही नहीं, बहुत सारे लोग अभी इसी लोकसभा चुनाव में देखिएगा, बहुत सारे लोग जो मोदी जी का नारा है अब की बार 400 पार, उसको उसको प्रारूप दे रहा है, उसको अमली जामा पहना रहा है और धीरे धीरे इसी लोकसभा में देखिएगा आपके बहुत सारे लोग किस तरह पार्टी को छोड़ छोड़ कर भारतीय जनता पार्टी में जाना शुरू करेंगे, वो जा रहे हैं। और वर्तमान में देखिए आज खंडवा, खरगोन, खजुराहो, इंदौर, और जिस तरह से मास्टर स्ट्रोक भारतीय जनता पार्टी फ्रंट फुट पे आकर खेल रही है, यकीनन काबिले तारीफ है और सबको अपनी सियासत करने का अधिकार है। अगर भारतीय जनता पार्टी तोड़ फोड़ की सियासत कर रही है तो क्या बुरा कर रही है। कांग्रेस ने जो करा था आज वही भारतीय जनता पार्टी कर रही है। इसमें मध्य प्रदेश में जो चुनाव हो रहे हैं लोकसभा के, क्या देखते हैं कि कितनी सीटों का अनुमान लगाते हैं आप अपने हिसाब से? देखिए जिस तरह से कमलनाथ जी, नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री के यहाँ पहुँचते हैं, उनका बेटा पहुँचता है और उसके बाद जिस तरह से महापौर चला जाता है, दीपक सक्सेना चले जाते हैं, तो ये प्री प्लान गेम था। कमलनाथ जी का सेटलमेंट नहीं हो पाया तो आज देखिए कि सारे लोग चले गए थे, अब कमलनाथ जी कह रहे हैं आ जाइए। अगर सेटलमेंट हो जाता भारतीय जनता पार्टी में तो यकीनन कमलनाथ जी, नकुलनाथ जी ये भी आज भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी होते। मध्य प्रदेश में दो बड़ी सीटें हैं, एक छिंदवाड़ा के नकुलनाथ और दूसरी राजगढ़ से पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह रोडमल नागर जी के खिलाफ लड़ रहे हैं। दोनों सीटों को किस नज़र से देखते हैं, क्या मानते हैं इन सीटों के बारे में, क्या कहना चाहेंगे? मेरा तो ऐसा मानना है कि कांग्रेस के गुनाहगार यही लोग हैं, इनको हारना चाहिए। जब ये हारेंगे, जब घर बैठेंगे, तब कांग्रेस का भला होगा, क्योंकि यही वो लोग हैं जिन्होंने, जिनको मिस्टर बंटाधार भी कहा जाता है, यही वो लोग हैं जिन्होंने कांग्रेस की यह दुर्दशा की है। आज देश में जिस तरह से लहर, कांग्रेस से लोग कूद कूद कर, डूबते जहाज से कूद कूद कर भाग रहा है, तो उस पर कहीं गुनाहगार ये लोग भी हैं और इन लोगों को तो चुनाव हारना चाहिए। 80-80 साल के हो गए, 75-75 साल के हो गए, जब तक ये हारेंगे नहीं युवाओं को मौका मिलेगा नहीं। अगर कांग्रेस बचाना है तो राहुल गांधी को इन लोगों को बाहर का रास्ता दिखाना चाहिए था, नौजवानों के हाथ में कमान देना चाहिए थी, जिससे कांग्रेस बनी रहती, चुनाव में भी बनी रहती, कंपटीशन में भी बनी रहती, दौड़ में भी बनी रहती। लेकिन आज परिस्थितियाँ बिल्कुल अलग है। आज स्थिति ये है कि बूथ पे बैठने वाले ना तो राजगढ़ में मिल रहे हैं और ना कमलनाथ जी के गढ़ में बैठने वाले मिल रहे हैं। स्थिति मध्य प्रदेश में वो दयनीय है कांग्रेस की। और जिस तरह इंदौर
का एक नौजवान जिसको टिकट दिया, उसकी बैकिंग करने कोई नहीं पहुंचा, दो शब्द वरिष्ठ लोगों ने नहीं बोले, जब चला गया उसके बाद ढोल मंजीरे पीट रहे। तो यकीनन ये कहीं ना कहीं कांग्रेस की नाकामी और कांग्रेस की मिली भगत, जिसे हम मिली भगत कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के से मिलकर ये जिस तरह से सूपड़े साफ करा रही है, यकीनन इससे अब देश में आपकी बार 400 पार का जो नारा है वो यकीनन और पूरा आता हुआ दिख रहा है इस देश। पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी विदिशा से चुनाव लड़ रहे हैं, क्या कुछ लगता है आपको विदिशा के बारे में? विदिशा के बारे में तो मामा जी के बारे में तो ना ही पूछे तो बेहतर है, क्योंकि मामा यकीनन मामा है, मामा का विदिशा ही दीवाना नहीं है, मध्य प्रदेश के कोने कोने में मामा के दीवाने हैं, मामा देश का मामा है, मामा को देश में लोग पसंद करते हैं, मामा यकीनन लाखों से जीतेगा। मामा को हराने वाला मध्य प्रदेश में और ना तो कांग्रेस में कोई पैदा हुआ है, ना भाजपा में, ना सपा में, ऐसा चेहरा है, पब्लिक फिगर चेहरा है कि जहाँ जाता है मामा वहाँ टूट पड़ते हैं लोग। मामा बहुत अच्छे हैं, मामा को जीतना चाहिए, मामा देश के नेता हैं। सर बात करें भोपाल की तो आप क्या कहना चाहेंगे, जैसे कि आलोक शर्मा जी जो भोपाल प्रत्याशी हैं, अभी विगत दो तीन दिन पहले भी माननीय प्रधानमंत्री आए हुए थे उनके जो रोड शो में। देखिए एक चीज़ बता दूं भोपाल को लेके, कि भोपाल एक बिल्कुल स्पष्ट है कि भोपाल एक भारतीय जनता पार्टी की सीट है। अगर भारतीय जनता पार्टी से यहाँ किसी को भी, आलोक जी तो बड़ा नाम है, अगर भारतीय जनता पार्टी अपना पट्टा टोपी रख के चुनाव लड़ाएगी तो भोपाल की सीट यकीनन भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, क्योंकि जिस चेहरे को लेके आए उसको पब्लिक पे कोई जानता नहीं है, अरुण श्रीवास्तव, उनका कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं है, माँ पंचायत के अध्यक्ष ही, उसके बाद कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड उनका दिखा नहीं, ना उनको कोई नौजवान जानता, ना युवाओं में कोई पहचान है, क्षेत्र के जो नेता हैं लोकल जो विधायक है वो लेकर साथ घूम के मिल रहा है, बता रहा है कि अरुण श्रीवास्तव है ये चेहरा है, कांग्रेस का चुनाव लड़ रहा है, इनको वोट दीजिए। तो जनता इतनी मूर्ख नहीं है, अपना वोट ख़राब नहीं करेगी, जो जीतता हुआ दिखेगा वो भोपाल के लोग उसको वोट करेंगे, वो यकीनन आलोक को वोट करेंगे लोग।